भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज से ब्रेल लिपि में अखंड रामायण पाठ प्रारंभ हो गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने विधि विधान से पूजन कर अखंड रामायण का पाठ किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जोशी, प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवान दास सबनानी, प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी, सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक अभिषेक शर्मा एवं नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी उपस्थित रहे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अखंड रामायण जो कल रामलला के विराजमान होने तक चलेगी, आज हमारे हनुमान जी के मंदिर में हमारे उन दिव्यांग भाइयों ने ब्रेल लिपि के अंदर अखंड रामायण 24 घंटे वो करेंगे। और आपने भी देखा कि ब्रेल लिपि में मेरे उन दिव्यांग भाइयों ने, जिनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सम्मान देकर उन्हें दिव्यांग कहा, जो भारत की एक बड़ी ताकत और शक्ति है, आज रामलला के विराजमान होने से पूर्व सभी दिव्यांग भाई ब्रेल लिपि में अखंड रामायण करके कल रामलला विराजमान जब होंगे तब अखंड रामायण का समापन होगा। मैं सभी दिव्यांग भाइयों को धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं, उन संस्थाओं को भी जो इस काम को कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कल विश्व का इतिहास बन रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः अभिनंदन और धन्यवाद के साथ हम सब इस काम में लगे हैं। और पूरे प्रदेश, मध्य प्रदेश के सभी जनता जनार्दन को हार्दिक बधाई और शुभकामनाओं के साथ मैं अपील करता हूं, सभी कार्यकर्ता, सभी आम जनता जनार्दन, सभी समाज, सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग कल राम ज्योति जलाकर और घर में दिवाली का उत्सव मनाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जो इतिहास दुनिया के अंदर बन रहा है, हम सब उसमें सहभागी बने, इसी अपील के साथ बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।